गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 10 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। टेंटेन टुकू, मेरा नहाना वगैरह हो गया, पूजा हो चुकी है एंड आधा लंच बन चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि टिफिन प्रिपेयर करो ना तो लंच भी बन ही जाता है। सो ऑलमोस्ट काम हो गया है, छोटे मोटे जो घर के अब बाकी बचे हुए काम है, ब्रेकफास्ट नहीं करा है, वो करने के बाद करूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में पोहा बन रहा है जो कि हस्बैंड बना रहे हैं। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको याद होगा कि मेरे पास फिश टैंक हुआ करता था, जिसे कल ही मैंने हटा दिया है क्योंकि अब हम मछली नहीं रखने वाले। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं ना तो वो मर जाती थी, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। तो हमने डिसाइड करा कि अब हम फिश टैंक को हटा देते हैं। सो मैंने उसे किसी को दे दिया है। और टेंटेन का वहाँ वो ग्लोव रखा हुआ है, उसने बहुत जिद करके मंगाया था और उसने बोला था मुझे बड़ा सा ग्लोव भी चाहिए। सो हमने उसे बड़ा सा ग्लोव ला के दिया था, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी तो मैंने रख दिया अभी इस वक्त। सो यहाँ पे कुछ करना है, देखते हैं क्या करना है, किस तरीके से इसे यूज़ करना है, इस कॉर्नर को अभी कुछ भी नहीं पता, देखते हैं। सो बहुत आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रहा है, बहुत ही तेज़ पता नहीं। और मेरी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब। सो मेरा सबसे बड़ा जो टेंशन है इस वक्त है वो मेरी मशीन है। वैसे तो मैंने हस्बैंड को बोला था, उन्होंने कॉल कर दिया है, वो आके देख लेंगे, बट मुझे लग रहा है कि वो एक दो दिन में तो ठीक होने वाला है नहीं। सो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बिना मशीन के तो मुझसे काम करना हो जाता है बहुत ही मुश्किल। और मतलब मशीन एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे ठीक ठाक चाहिए होती है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ वॉशिंग मशीन को लेके, आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं बहुत कपड़े धोती हूँ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा भी गंदा होता है मैंने मशीन में डाल दिया, थोड़ा भी गंदा होता है। सो मशीन देखते हैं, आज शाम तक अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल। क्योंकि कल मैंने कपड़े जो है मैंने मशीन में धो तो दिया था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो ठीक से वॉश नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसे बाहर धोया था, मैंने और हस्बैंड ने मिलके, क्योंकि मुझे गर्दन झुकाने में दर्द होता, तो हस्बैंड ने बोला लाओ मैं मदद करा देता हूँ। तो कल तो ऐसे सॉर्टेड हो गया, आज का देखते हैं आज क्या कर सकते हैं। सो अभी नाश्ता करती हूँ, चाय सुबह पी चुकी थी, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद दूसरा चाय भी पीऊँगी। और मेरा पोहा आ गया है, यम्मी डिलीशियस पोहा, और स्पून गिर गया। सो ये रहा मटर वाले बहुत सारी सब्जियां डाल के, मैं इस पे नमकीन डालूंगी फिर खाऊंगी। और मैंने स्पून गिरा दिया है, तो स्पून चेंज करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मैं सो गई थी और बहुत सारा स्वेट आ रहा है मुझे, क्योंकि फ़ैन बंद करके किचन में मैंने वो बर्तन वगैरह शाम के नहीं रखे थे, उन्हें अरेंज किया है। और फिर साथ में मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, मटका में पानी फिल किया। ये जो छोटे मोटे काम थे ना जो बच गए थे, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह धो के रख दिया है। दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो दोनों एक 6 बजे आएगा और एक 7 बजे आ जाएगा। तब तक मैं सोची ये डिनर की प्रिपरेशन कर लूँ। और अभी 2-3 दिन से गर्मी स्टार्ट हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा हो गई है ना, परेशान हो गए हैं। सो चलो जो दिखाती हूँ आज डिनर में मैं क्या क्या बना। सो डिनर में यहाँ मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, इसमें मूंग मसूर है। बेसिकली इन दो की क्वांटिटी ज़्यादा है, मैंने थोड़ी सी मोट भी ऐड कर दी थी। और बस अभी 3 ही दाल इसमें डाले हैं, ये बन रहा है डिनर में। हम दोनों सूप की तरह से ले लेंगे, और बच्चे दाल रोटी या दाल चावल वो जो भी बोलेंगे उनका कर दूंगी। साथ में यहाँ पे चाय बन चुकी है मेरी, दिख रही होगी अच्छी खासी चाय मेरी उबल गई, बहुत सुंदर कलर आ चुका है। और मैं चाय बस पीने ही वाली हूँ, मैंने सोचा डिनर दाल भिगो दो ना, ये वाली दाल तो जल्दी पक जाते हैं। सो मैं इसे नमक और हल्दी डाल करके बस उबालती हूँ। सो नमक ऐड कर दिया है एंड ये गया हल्दी, और दूंगी जब तक चाय पीऊँगी, ये भीग चुका होगा, गल चुका होगा। तो उसके बाद फिर इसे विसल लगा देंगे और अच्छा लहसुन प्याज डाल के तड़का लगा लेंगे। तो ये कर गई थी मैं किचन के छोटे मोटे काम, और पूरा किचन हो गया है, पूरा किचन है, बर्तन ही बर्तन हो रहा था। बाहर का वेदर आपको दिखाऊँ, अच्छा सा है, लेकिन बहुत गर्मी हो रही है, हवा नहीं चल रही है, उस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैंने कल के लिए यहाँ चने भिगो दिए हैं, और नीचे मेरी उंगलियाँ बिल्कुल, इन 2 फिंगर्स में मुझे बहुत पेन रहता है, मैं वेट नहीं उठा पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने भिगोया है मूंग और मोट के ऊपर जो हल्के हल्के थे ना, इन्हें मैं निकाल के फेंकने वाली हूँ। सो बस ये छोटे छोटे काम हैं जिनकी प्रिपरेशन मैं अभी शाम को कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं ना रात को भूल जाती हूँ। तो चलो पहले अब चाय पी लेते हैं। मेरी जैगरी वाली और ये विदाउट शुगर वाली चाय है, और अब मुझे, और आज हम चाय पीने वाले हैं इस ग्लास में। सो चलो फिर चलते हैं, बच्चे चले गए थे तो मैंने इन सारी चीज़ों को भी शाम को अरेंज किया है। और टिंटिन आते से सारे बैग से बुक्स वगैरह निकाल के उसने फेंक दिए थे, जिसे मैंने वहाँ अरेंज किया है। पास में हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे, सो मैं मिलती हूँ फिर आपसे।
गुड मॉर्निंग, यहाँ हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, टिफ़िन बनाने। सबसे पहले मैं सो के उठती हूँ तो मैं टिन टिन का टिफ़िन रेडी करती हूँ, उसके लिए कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी जो कि वो टिफ़िन में लेके जा सकता है। और उसके बाद फिर मैं तो क्योंकि शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ बना देती हूँ, तो आज टिन टिन के टिफ़िन में मैं बना रही हूँ भिंडी। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ भिंडी चॉप करके रात को ही रख ली थी। मैंने पैन में सिर्फ ऑयल और 2 सूखी मिर्ची डाली और प्याज और भिंडी मैंने साथ में ही डाल दी, क्योंकि जब भिंडी भुनते भुनते ना प्याज भी अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्याज पका लो ना तो फिर प्याज जल्दी पक जाता है और भिंडी थोड़ी लेट में, इसलिए मैं दोनों ही चीज़ें साथ में करती हूँ। और ये आटा मैं रात को ही लगा के रख देती हूँ। आई नो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट मुझसे सुबह नहीं हो पाता है तो रात को हस्बैंड से मैं यहाँ पे लगवा के रख देती हूँ। शॉर्ट ब्रेक में टुकू की दे रही हूँ मैं सैंडविच, तो बस वो 5-7 मिनट में बनाऊँगी। अभी बहुत टाइम है, वो 7:15 तक ही जाता है। और अभी हो रहा है यहाँ पे टाइम, अभी दिखाऊँ आपको तो 6:45, तो भी बहुत सारा टाइम है। 7 बजे तक तो मेरी सब्जी हो जाती है, कभी कभी तो मैं एक्स्ट्रा रोटी कराती हूँ, 2-4 बना के भी रख देती हूँ। और आज बाहर का मौसम हो रहा है ना बारिश जैसा, आपको दिख रहा होगा ये स्लाइड ब्लॉक हो गया, मुझसे खुल नहीं रहा है। हस्बैंड सो रहे तो सोच रहे थोड़ी देर छोड़ दूँ, बहुत गर्मी हो रही है, किचन पैक हो गया है ना। तो बनाती हूँ भिंडी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। भिंडी इतना फ्राई हो गई है, कढ़ाई मतलब पैन से थोड़ी अलग होने लगी है, इसकी जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और बहुत ही सिंपल सी भिंडी बना रही हूँ, बच्चों को भिंडी पसंद आता है। हो गया 1 छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत गहरा सा धनिया, बस इतना सा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं। टिन टिन को बस मसाले वाले भिंडी बहुत पसंद नहीं आते। और ये बस, ये भी बहुत ज़रा सा जाएगा, सॉरी पैन गर्म था, ये भी बहुत ज़रा सा जाएगा। ये सब्जी मसाला कोई सा भी डाल दें, मैंने डाल दिया है। अब चून और नमक हम दो चीज़ें बाद में ऐड करेंगे, बस भूनना है और नमक नहीं डालेंगे हम। और भिंडी सभी को बनाना आता है, बट मैंने सोचा चलो बनाई हुई है तो आपको बता दूँ मैं कैसे बनाती हूँ। से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और टाइम हो चुका है इस वक्त 6:45 हो चुका है। और अब मैं टुकू का सैंडविच भी प्रिपेयर कर देती हूँ। टुकू से मैंने पूछा कौन से सैंडविच खाओगे, तो उसने बोला चीज़ सैंडविच रख दो, तो उसको चीज़ सैंडविच बनाते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं, टाइम निकलता जा रहा है। मैं ये वाला जो स्प्रेड आते हैं ना, ऐसे ही स्प्रेड कभी कभी ये वाले डाल देती हूँ, कभी मेयो डाल देती हूँ, डिपेंड करता है। सो आज मैं ये वाले स्प्रेड के साथ बना रही हूँ। ज़रा ज़रा सा मैं एक साइड पे अप्लाई कर दूँगी, तो थिन लगाना है, बहुत थिक थिक नहीं लगाना है। एंड मैं इसे घी से बनाने वाली हूँ, फटाफट बन जाता है। बस थोड़ा सा चीज़, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रा ज़रा सा चीज़, क्योंकि चीज़ ऐसे भी ठंडे हो जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। बस थोड़ा सा चीज़ फ्लैक्स, बहुत ज़रा सा चीज़ फ्लैक्स चाहिएगा। और ये गया मिक्सअप, उससे निकलते ही नहीं, तो सुबह सुबह उतना टाइम किसके पास है। थोड़ा सा मिक्सअप बस हो गया। अब मैं इसे सेकने वाली हूँ तवे पे, जिसे मैंने पहले से हीट होने रख दिया था। सो क्विक बन जाएगा ये सैंडविच। देखिए क्या हाल है। तो भिंडी, ये देखिए भिंडी फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं नमक और अमचून ऐड करूँगी, क्विकली करने वाली हूँ क्योंकि मैं लेट हुई हूँ। ये रहा मेरा तवा, आई नो रोटी तवा थोड़ा गंदा हो रहा है, पराठों की वजह से क्या करूँ, खाना साफ ही नहीं करती अच्छे से। सो इस पर मैं घी बटर डालूंगी, आपको स्मोक दिख रहा हो। सो बहुत ही सैंडविच में बनाती हूँ, सो बन गई इसकी सैंडविच। खाना जहाँ जहाँ फ्राई रहता है मैं वहाँ वहाँ थोड़ा सा घी या बटर जो भी बनाऊँ वो अप्लाई कर देती हूँ, ताकि सूखा सूखा।
यहाँ लगे हुए हैं। सो सैंडविच यहाँ सीख दिया है मैंने, इसे मैं काट दूंगी बीच से क्योंकि लंच बॉक्स में पूरा पूरा आ नहीं पाता है। सो ये रहा उसका सैंडविच, ठंडे हो गए हैं अब जब मैं इसे काट रही हूँ, और इसे मैं पैक करूँगी इस पेपर में। ये बन गया उसके सैंडविच, और ये रहा उसका लंच बॉक्स। अब आपका हो गया हेल्दी नहीं है तो क्योंकि स्कूल में पूरा टिफिन मिलता है जिसमें सैलेड प्रॉपर खाना रोटी सब्जी दाल चावल, तो इसलिए उसे मुझे खाना नहीं देना होता है। ये एक शॉर्ट ब्रेक लगती है उसके स्कूल में जो कि बच्चे उनका जो ब्रेक टाइम होता है ब्रेकफास्ट नहीं करके जा पाते हैं ना, तो इसलिए होता है। सो इसीलिए आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, मोस्टली मैं कभी फ्रूट कर देती हूँ, जैसे कल मैंने फ्रूट्स देखा तो आज मैंने पराठे ये दे दिए, तो कभी स्टफ पराठा आधा पराठा रख दो इस तरीके से है, क्योंकि टुकू को ये सैंडविच बहुत पसंद आता है तो लौटने में भी वो खा लेता है, इसलिए मैंने दो रख दिया वरना एक इनफ होता है। सो हो गया उसका टिफिन पैक, चलो अब टिंटिन के टिफिन की तरफ चलते। सो मैं वॉक पे से आ गई, और वॉक पे से आते से मैंने यहाँ पे कुकर में रखा है दाल, दाल मतलब मूंग और मोठ वाली होल दाल जो होता है, उधर दूध उबलने रख दी, उधर अपनी चाय रख दी है, और वो दाल जो उबाल रही हूँ ना वो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज अनियन क्लीन कर लिया है, एंड सब चीज़ें हो गई है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा करके आती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर टिंटिन को उठाती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें चलती रहेगी। सो घर में सभी अभी सो रहे, सभी नहीं सो रहे, टिंटिन सो रहा है और इसके पापा भी सो रहे हैं, उनके पैर में कुछ दर्द है तो रेस्ट कर रहे। तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, मैं नहा के आती हूँ क्योंकि बहुत स्वेट हो गया है, मैं वॉक पे चली गई थी ना पूरे पसीने से गीली हूँ, और आके अच्छा लग रहा है, बस पानी पिया और ये सारी चीज़ें किचन में निपटाई, अब क्विकली नहा के आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने अपना चाय छान लिया, मेरी चाय हो गई है रेडी। सो मैं नहा के आ गई और मेरी पूजा हो चुकी है, सो फटाफट पूजा कर लिया मैंने, और मैं टुकू को छोड़ने 7:20 को नीचे जाती हूँ, और फिर उसकी बस आ जाती है, फिर वो चला जाता है स्कूल और मैं वहाँ से चली जाती हूँ वॉक पे। हस्बैंड भी साथ में होते हैं, जैसा बता चुकी आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो साथ में नहीं आए, बस नहा के आई हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाया है, बस अभी चाय पीऊँगी, और चाय पीते पीते ही थोड़ा सा फेस केयर जो होता है।